Now, there are some conditions, the same conditions we have studied for the MOT, same conditions we have studied for the linear combination of atomic orbital. Linear combination का मतलब है basically formation of what? Bond. Formation of what? Bond. सबसे पहला वाला point क्या रहता है? Same energy point. Means you have applied N plus M. जो भी atomic orbitals एक दूसरे से combine होने जा रहे हैं या फिर bonding करने जा रहे हैं, they must have the same energy. So you will just write down only one word. कि AO will have must have सेम एनर्जी. सो सबसे पहला पॉइंट क्या है? सेम एनर्जी कॉन्सेंट्रेशन. दूसरा क्या है? सेम सिमेट्री. और अच्छा बॉन्डिंग होने के लिए वी हैव स्टडीड दिस पॉइंट आल्सो कि जो ऑर्बिटल ओवरलैप है ना, ऑर्बिटल ओवरलैप है वो कैसा होना चाहिए? इट मस्ट हैव ए मोर स्टेट. इट शुड नॉट बी लाइक कि अगर आपके पास ये ऑर्बिटल है ठीक है और दूसरा हाइड्रोजन का ऑर्बिटल जस्ट ओवरलैपिंग लाइक दिस. So this is not the perfect bonding. ये third point. Bonding के लिए क्या होना चाहिए? उसका overlapping extent should be small. और एक चीज ये भी याद रखो, 50% के ऊपर overlapping नहीं होता, क्योंकि repulsion force उसको allow नहीं करता. दो न्यूक्लियस के बीच में repulsion होता ही नहीं. Combination of atomic orbital. Well, you can remember this whole. The condition hai wo kya honi chahiye? Your energy, your symmetry, and your orbital overlap. Okay, so you can just write down this one. एनर्जी क्या होनी चाहिए? एनर्जी सेम. समझ में आई बात? एनर्जी सेम, सिमेट्री सेम, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग मोर एक्सटेंड. सो रिमेम्बर दिस वर्ड. ये कब आपको वर्ड याद रहेगा? जब आपको ये पूरी कंडीशन पता है. ये सबके लिए है काफी, क्योंकि दिस द सेम थिंग वी हैव स्टडीड इन व्हाट. हमने सेम एनर्जी प्रिंसिपल कहां पे अप्लाई किया था? वो में भी अप्लाई किया था ना. एनर्जी को लेस होना चाहिए या फिर एनर्जी सेम होना चाहिए? सेम एनर्जी आया तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होना चाहिए? लेस होना चाहिए. देन यू कैन चूज दैट ऑर्बिटल फॉर द फिलिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन.